अरे तो चलो यार, अभी सुबह का मिशन तो मैं कंप्लीट करके आ गया, अभी शाम का मिशन मैं शाम को ही करूंगा। अभी एक काम करता हूँ, अपनी बाइक को यहीं पर पार्क कर देता हूँ और अंदर चलकर थोड़ी देर सो जाता हूँ। शाम को तो काफी खतरनाक वाला मिशन करना है, तो थोड़ा आराम तो जरूरी है ना। आओ, अभी तो पुलिस वाले भी हमको नहीं पकड़ सकते। अरे वाह, देखो यहाँ पर तो एक KTM बाइक खड़ी है। आओ, और इसके पास में तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, इसी को यहाँ से उड़ा ले चलता हूँ। और ये देखो, अभी तो मैं इसके ऊपर बैठ गया बाइक को स्टार्ट करने की निंजा टेक्निक। और ये देखो, अभी तो मेरी बाइक स्टार्ट भी हो गई, तो चलो अभी इसको लेके फुरो लेते हैं। अरे यार, अभी तो शाम हो गई, तो चलो दूसरे मिशन पे चलते हैं। लेकिन ये क्या, मेरी KTM बाइक कहाँ पर चली गई? मैंने तो यहीं पर पार्क की थी। लगता है किसी ने मेरी बाइक को पीछे की तरफ पार्क कर दिया होगा। चलो चलकर देखता हूँ। लेकिन ये क्या यार, यहाँ पर भी मेरी बाइक नहीं है। लगता है किसी ने मेरी बाइक को चोरी कर लिया है। तो चलो अभी टिप्सन दादा के पास चलता हूँ। और ये देखो, अभी मैं टिप्सन दादा के पास पहुँच गया। टिप्सन दादा, क्या हुआ छोटे, तू इतनी रात को मेरे पास कैसे आया है? अरे टिप्सन दादा, दरअसल किसी ने मेरी KTM बाइक को मेरे घर के बाहर से ही चोरी कर लिया। अभी मैं क्या करूँ? अरे छोटे, पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर। लेकिन टिप्सन दादा, अभी तो वाइस टाउन का पुलिस स्टेशन बंद होगा, मैं सुबह जाकर रिपोर्ट करूंगा। अच्छा तो मैं अभी घर पे जाके सो जाता हूँ, फिर सुबह जाकर मैं रिपोर्ट करूंगा। और ये देखो यार, अभी तो सुबह हो गई, मुझे पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। तो गाइस, अभी तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँच चुका हूँ। लेकिन ये क्या यार, ये पुलिस स्टेशन के बाहर टैंक और पुलिस वालों की गाड़ियाँ क्यों खड़ी है? और ये देखो यार, इन लोगों ने तो पूरे रास्ते को ही जाम कर रखा है। ऐसे बीच रोड पे गाड़ियाँ कौन खड़ी करता है? अरे रोफिरो, यहाँ पे क्या कर रहे? क्या हुआ रोफिरो, तुम गाड़ियों के पास क्या कर रहे हो? अरे कमिश्नर साहब, आप लोगों ने गाड़ियों और टैंक को यहाँ पर क्यों खड़ा कर रखा है? पूरी रोड जाम हो रखी है। अरे रोफिरो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सारी गाड़ियाँ खराब हो गई और पुलिस वालों के पास अब कोई भी गाड़ी नहीं बची, और इसी की वजह से वाइस टाउन में काफी क्राइम बढ़ गए। अरे लेकिन सर जी, मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई, मैं उसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। आई एम सॉरी रोफिरो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पुलिस स्टेशन में नई गाड़ियाँ नहीं आती। अरे नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इसीलिए वाइस टाउन में काफी ज्यादा चोरियाँ हो रही है। मुझे जल्दी से टिप्सन दादा के पास चलना चाहिए। अरे क्या हुआ छोटे, तूने रिपोर्ट लिखवा दी क्या? अरे नहीं टिप्सन दादा, पुलिस वालों की सारी गाड़ियाँ खराब हो गई, इस वजह से वे चोरों को नहीं पकड़ सकते। अरे रोफिरो, तू एक काम कर, मेरे दोस्त चिल्लू कमिश्नर के घर पे चल जा, उसके पास 3 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है। अरे टिप्सन दादा, 3 गाड़ियों को मैं अकेला कैसे लाऊंगा? आप भी मेरे साथ में चलो। अरे छोटे, मैं तेरे साथ भी चलूंगा, तो भी हम लोगों को एक आदमी की जरूरत और पड़ेगी। अरे मैं हूँ ना यार, मेरे को बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, बोलो कहाँ से कौन सी गाड़ी लेकर आनी है, चलो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे यार, अभी तो हम लोग 3 लोग कंप्लीट हो गए, तो चलो अभी चलते हैं इनके दोस्त के घर पे। भाई चलो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे बस रोफिरो, यहीं पर रोक दे, यही है टिल्लू कमिश्नर का घर। अरे लेकिन टिप्सन दादा, हम लोग ये किराए की सुपर कार क्यों लेके आए हैं यहाँ पर? अरे छोटे, मेरे दोस्त टिल्लू को लगना तो चाहिए कि टिप्सन दादा कितने ज्यादा अमीर है। अच्छा ये बात है क्या टिप्सन दादा? अरे यार लेकिन हम लोग तो आ गए, लेकिन वो सुपर हीरो कहाँ पर रह गया? उसके पास तो और भी महंगी वाली सुपर कार है। अरे वो देखो टिप्सन दादा, सुपर हीरो तो सामने है, मुझे लगता है उसने आपकी कार को ठोक दिया। अरे सुपर हीरो इस तरफ आ। सुपर हीरो गधे कहीं के, वो बहुत महंगी कार है, आराम से चला। टिप्सन दादा, इसने तो आपकी सुपर कार को ठोक दिया, इसको अभी बाहर निकालता हूँ मैं। अरे यार मैंने भी पता नहीं किस गधे को कार चलाने को बोल दिया, देखो पूरी कार तोड़ डाली इसने। अरे गधे कहीं के, बाहर निकल, अगर टिल्लू कमिश्नर ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अभी चुपचाप से अंदर की तरफ निकल लो। अरे भाई ये मेरे घर के बाहर से धूमधड़ाम की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो थोड़ा बाहर चल के देखता हूँ। अरे भाई ये कौन है? अरे ये तो मेरा दोस्त टिप्सन है। आओ टिप्सन, क्या काम है? टिल्लू, जो तुम्हारे पास में 3 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है ना, वो हमें दे दो, हमारे वाइस टाउन की पुलिस की सभी गाड़ियाँ खराब हो गई। अच्छा टिप्सन, वो वाली गाड़ियाँ? हाँ चलो चलो, आओ मेरे साथ में आओ, मैंने उनको सामने की तरफ खड़े करके रखा है। अभी थोड़ा जल्दी चलो मेरे साथ में, मेरे को ड्यूटी के लिए भी निकलना है, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। आ जाओ भाई, देखो यहाँ पर मैंने अपनी 3 गाड़ियों को बिल्कुल सेफली तरीके से खड़ी करके रखी है। और ये देखो टिप्सन, ये मेरा दूसरा बंगला है और तुम्हारी सुपर कार तो काफी अच्छी है। अरे हाँ टिल्लू, ये रोफिरो चीट कर रहा था, इसलिए लेनी थी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 करोड़ रुपए की है। 5-6 करोड़ रुपए की? चलो वो छोड़ो टिप्सन, ये देखो ये रही मेरी 3 पुलिस की गाड़ियाँ। और ये देखो टिप्सन, सबसे पहली है पुलिस वाली वैन, इसके अंदर तुम्हारे पुलिस वाले कम से कम 10 क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकते हैं। और ये जो दूसरी वाली दिखाई दे रही है ना, ये एक लग्जरी पुलिस SUV कार है। और ये कार तुम कमिश्नर साहब को दे देना, उनको काफी पसंद आएगी। और जो तीसरी गाड़ी है वो तो तुमको पता ही है, वो नॉर्मल एक पुलिस वाली बाइक है। अरे भैया टिप्सन दादा, 3 गाड़ियाँ ही काफी ज्यादा काम की है। और ये देखो, ये पुलिस वाली बाइक तो और भी ज्यादा अच्छी है। वैसे भी हमारे वाइस टाउन में कोई भी पुलिस की बाइक नहीं थी, लेकिन अभी तो हमारे वाइस टाउन में पुलिस की बाइक भी आ जाएगी। अरे तो टिप्सन मेरे दोस्त, अभी मेरे को ड्यूटी पे जाना है, तुम ये 3 गाड़ियाँ ले जाना। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। अरे वाह टिप्सन दादा, ये 3 गाड़ियाँ तो काफी शानदार है, लेकिन इनको कौन कौन लेके जाएगा? अभी सुपर हीरो तू एक काम कर, पुलिस वाली वैन को तू वाइस टाउन लेके चल। और टिप्सन दादा, आप ये जो SUV कार दिखाई दे रही है ना, आप इसको वाइस टाउन लेके चलो। और इस पुलिस वाली बाइक को मैं वाइस टाउन ले आऊंगा। चल सुपर हीरो, पहले उस वैन को वहाँ से हटा। अरे यार मैं तो पुलिस की वैन चलाऊंगा, अभी जल्दी से चलकर इसको स्टार्ट करता हूँ। और ये देखो यार, अभी तो सुपर हीरो वैन के अंदर बैठ चुका है, लेकिन सुपर हीरो आराम से लेके जाना, तूने सुपर कार को भी ठोक दिया था। अरे हाँ यार रोफिरो, टेंशन मत ले, मैं बहुत अच्छी कार चलाता हूँ, चल अभी देखता जा मैं कैसे इसको निकालता हूँ। गाइस मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये सुपर हीरो इसको भी भेड़ भाड़ के नक्की ना कर दे। अरे सुपर हीरो, टिप्सन दादा को मत उड़ा देना। अरे रोफिरो, तूने मेरे को अंधा समझा है क्या? और ये देखो गाइस, अभी तो सुपर हीरो ने यहाँ से पुलिस वाली वैन को निकाल लिया है। चल सुपर हीरो, इसको वाइस टाउन लेके रवाना हो जाए। गाइस हमारी पुलिस वैन तो जा चुकी,
की है, अभी बारी है एसयूवी कार की। चल चिप्सन, अभी तेरे को एसयूवी कार को वाइस टाउन ले जाना है, चल जल्दी से इसको ड्राइव कर। अरे फिर आराम से यार, तूने मेरे को टक्कर मार दी, अभी लेके जा रहा हूँ ना मैं इस कार को। अरे यार टिप्सन, इस कार को जल्दी से यहाँ से हटा ले, मेरे को इस बाइक को चलाने की एक्साइटमेंट हो रही है। अरे हाँ छोटे, अभी निकाल रहा हूँ। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो गाइस, अभी टिप्सन ने तो बड़ी आसानी से कार को घुमा लिया है। टिप्सन काफी अच्छी ड्राइविंग करता है, ये आराम से इसको वाइस टाउन ले जा सकता है। फाइनली गाइस हम लोगों ने यहाँ से पुलिस की एसयूवी कार को भी रवाना कर दिया है। तो चलो गाइस अभी बारी है हमारी पुलिस बाइक की, और वो तो वैसे भी मुझे ही लेके जानी है। तो गाइस अभी मैं बाइक के पास में जा रहा हूँ, जब तक आप लोग आज की वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। और हाँ यार, नीचे वाले रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। फाइनली गाइस ये देखो, अभी तो मैंने अपनी बाइक को उठा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं वाइस टाउन। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ आपको पुलिस वाली बाइक कैसी लगी, और क्या आप लोग इस बाइक को ड्राइव करना चाहते हो या फिर नहीं। तो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।